रविवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया कि अंतर जनपदीय लूट, चोरी व छिनैती व वाहन चोरी करने वाले गैंग के 8 सदस्यों को चोरी चोरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। ये गैंग चोरी और लूट की मोटरसाइकिल को नेपाल व बिहार में बेचकर तथा छिनैती से मिले रुपए से हाई स्पीड की पल्सर खरीदकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके कब्जे से लूट की 58,000 रुपए, चोरी की 9 मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर और एक चाकू बरामद किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया। बदुरैया थाना चौरी चौरा गोरखपुर का निवासी है। दूसरा राहुल राय पुत्र योगेंद्र राय, ये जनपद महाराज, और चौथा मुकेश पुत्र अशोक, ये शाहपुर जनपद गोरखपुर का है। पांचों अर्जुन गौड़, ये कोटीवार जनपद महाराजगंज का है। अविनाश राव, ये हाटा कुशीनगर का है। रतन राठौर, ये चौरी चौरा थाने का है। और बंटी पुत्र राजेंद्र, ये शाहपुर का है। और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, साथ ही साथ इनके द्वारा लूट की अन्य घटनाओं में भी संलिप्तता रही है। और इसमें चौरी चौरा थाने की 2 लूट की घटनाएँ, देवरिया की 1, महाराजगंज की 1, और इसमें शहर की भी जो चेन स्नैचिंग है उसमें भी इनका रोल रहा है। कुल मिला के 5 लूट की घटनाएँ इसमें खुली हैं। और इनके द्वारा बताया गया है कि ये अन्य जनपदों में जहाँ भी मेले लगते हैं वहाँ जाकर ये लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जहाँ से ये मोबाइल लूट की घटनाएँ या चेन स्नैचिंग या इसी तरह से पर्स, जो पॉकेट मार जिसे कहते हैं, उस घटना को भी अंजाम देते हैं। और इनको जो सामान है वो अलग अलग जगह जाकर उनको बेच देते हैं। तो ये 5 लूट की घटनाओं का ये खुलासा हुआ है। और साथ ही साथ ये 8 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इनका जो गैंग है वो बहुत बड़ा है। इनके जो अन्य साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, और जो उनके पास से जो भी अन्य घटनाएँ हैं अगर वो उसमें संलिप्त रहेंगे तो उन घटनाओं को भी वर्कआउट किया जाएगा। असला भी बरामद हुआ है। हाँ, इनके पास से असला भी बरामद हुआ है और एक असला इनसे बरामद हुआ है, जिन ये लूट की घटनाओं में उसका उपयोग करते थे। इसमें ये जो गैंग है वो 2-3 गैंग हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये गैंग के जो 8 या 9 अभियुक्त अभी हैं, इनके और भी साथी हैं, तो सभी साथियों को जब हम गिरफ्तार करेंगे तो तब पता चल पाएगा कि इनका जो मुखिया वो कौन है। ये रहने वाले तो कुशीनगर के हैं, कुछ चौरा चौरी थाने के हैं और कुछ शहर के रहने वाले हैं, लेकिन आपस में सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। और जो देवरिया के जो बॉर्डर पे चौरा चौरी देवरिया बॉर्डर जो गौरी बाजार और वहाँ पर है, वहाँ इनका कार्य क्षेत्र जो ये घटनाएँ देते थे, वहाँ काफ़ी इन्होंने घटनाएँ की हैं। ये अंतर जनपदीय गैंग है फिलहाल, और अभी अगर दूसरे राज्यों में इन्होंने कुछ घटनाएँ की होंगी तो उसका भी पता किया जाएगा। फिलहाल ये अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया गया है।